हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से आप अपने जो कि रियलमी C2 है उसके अंदर आप अपना जो कि कुछ फीचर्स है जो कि आप उसको सेटअप करके आप अपने जो रियलमी C2 को और भी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे अलग सा सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो अगर टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं कि आपको जो इसमें है, जैसे कि हम पहला ट्रिक है जो हमारा है, जैसे कि हम वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सेटिंग में जाना पड़ता है ये वो, लेकिन आपको सिंपली करके यहाँ से भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से कोई सा भी आपको जैसे टैप करेंगे आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी वॉलपेपर लगाना चाहे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल तरीका है जो कि आप यूज़ करके आप लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर रियलमी के फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी के फ़ोन में हो। और दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा जो टिप्स है जो कि आपके लिए है वो आपको बहुत ही कम फ़ोन में देखने को मिलता है, जो कि ये है टिप्स जो बताने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली जो सेटिंग है उसमें जाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद जैसे प्रेस करेंगे सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक को बता रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप होम बटन है वगैरह ये सब वगैरह सेटअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो कि आपका बिखरा हुआ था वो एकदम सेटअप हो जाएगा, इसको स्विच कर देना है। जैसे स्विच करेंगे आप देख सकते हैं वहाँ पहले बिखरा हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया था, बट अब नहीं है। आप देख सकते हैं सारे सेटअप हो चुका है और यहाँ से और भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसे होम को भी सजा सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा है जो नेविगेशन बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल जाता है और तीसरा आपको दिख नहीं रहा तो सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा गाइस, इसके लिए आपको सिंपली जो कि इसे सेटअप करना है तो आपको एक सेटिंग सबसे पहले क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ढूंढना है नेविगेशन बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को स्क्रॉल करेंगे आपको देखने को मिल जाता है कॉन्टैक्ट ऐड, ठीक है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन बार की, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत कम लोगों को पता होता है गाइस, आप यहाँ से जो कि अपना की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें इस वाले पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं वर्चुअल की हाइडन फीचर्स। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड था जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप इस तरीके से इसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपको काम आता है। तो आप सबसे पहले कैमरे में जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हम जब फ़ोटो लेते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, बट आप इसके ऊपर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। वाटरमार्क आपको लगाना कैसे है, सिंपली आपको करना क्या होगा, सेटिंग में जाना है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वाटरमार्क, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, इसको सिंपली इनेबल कर देना है। इनेबल जैसे करेंगे आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं, जो मर्जी लिखेंगे आपका वहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि है कॉन्टैक्ट ऐड में जाएंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से गेस्चर मोड तो आपने जैसे ऐड करते हैं ऐसे आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद स्विच ऑफ जो कि है स्क्रीन ऑफ गैजेट गेस्चर, आप देख सकते हैं, उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद इसे भी इनेबल कर दे, आप देखें डबल टैप टर्न ऑफ ऑन हो जाएगा, जो कि डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ड्रॉ ओ लिखेंगे तो आपको कैमरा खुल जाएगा, वी लिखेंगे तो आपका फ्लैश जल जाएगा, और कंट्रोल म्यूज़िक आप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सिंपली इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं सिंपली डबल टैप करा, आप देख सकते हैं स्क्रीन आ गया है। तो इस तरीके से डबल टैप से बंद भी हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल टैप करा ये आ गया। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने और भी सेटिंग किया था जो इसमें लिखा हुआ था ओ, तो इसमें सिंपली मैं यहाँ पे
आपको करके दिखाता हूँ, ओ लिख देता हूँ। ओ लिखते ही आपका जो फ्लैश है कैमरे कैमरा खुल जाएगा, जो कि उसमें दिखा रहा था, आप देख सकते हैं कैमरा खुल गया जो कि उसमें था, और वी पे था फ्लैश। इसको ओपन करेंगे, वी दबाएंगे, फ्लैश जल जाएगा। वहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से रख भी सकते हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इसका इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरे में एक और फीचर्स है जो कि आपको इसे यूज़ करना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फुल स्क्रीन यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीन साइज़ देख सकते हैं, फ़ोटो रेशियो देख सकते हैं, रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, 4.3 पे कर सकते हैं, 1.1 पे कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कूल दिख रहा है, और ये साइज़ आपका फुल साइज़ में आपको देखने को मिल जाता है। आप किसी को शेयर करते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो कि इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, देखना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी सेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। फिर से बोल रहा हूँ आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।